Hello students, good morning. Today in differentiation maths 12th class we are starting exercise 5.3. concepts jo hain se related abhi hum log pehle de hi chuke hain. So straight away we are starting with the questions. Exercise 5.3 question number 1 mein dekho d by dx of e to the power of x upon sin x है. इसमें जो रूल यूज होगा ये कोशेंट रूल यूज होगा. कोशेंट रूल यानी डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस में आप 5.4 या 5.3 जो भी हो, है ना, देख लेना. इसमें डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस में, लो भाई, somebody saying that this is 5.4, हाँ, देख लेना, just see. साइन एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन, ये u अपॉन v का, अगर अभी हमें डिफरेंशिएशन लेना है तो कैसे लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर करके नीचे लिखते हैं और फिर नीचे वाले फंक्शन को एक बार ऊपर लिख लेते हैं. फिर प्रोडक्ट रूल जैसा v लिखा d by dx of u, u d by dx of v. This is how we apply. ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे ही अप्लाई करेंगे. नीचे वाले को स्क्वायर करके नीचे लिखा, नीचे वाले को एक बार ऊपर लिख लिया, into d by dx of what? e to the power of x minus e to the power of x into d by dx of what? sin x. बस इतना सा है, सिंपल. तो ये कितना जाएगा, sin x into e to the power of x minus e to the power of x into cos x upon sin square x. ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. और ज्यादा अच्छा अगर लगे तो e to the power of x इधर से कॉमन ले लेना, sin x minus cos x upon sin square x. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, e to the power of x जो है बच्चों, इसके बारे में भी बता दिया था, क्योंकि ये एक नया फंक्शन है इस वाली एक्सरसाइज में. e to the power of x ही होता है, e जो है 2.7182, दिस इज अ कांस्टेंट. तो e का जो डेरिवेटिव है, e to the power of x का डेरिवेटिव भी है, या इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम आता है. ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कहां पर जाती है, देखो प्रॉब्लम जाएगी जब आपको एक्स की जगह कुछ और दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर टू में डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये अगर दिया हुआ तो क्या करेंगे इसमें बेटा, e to the power of sin inverse x में d by dx of, हम लोग बोलते हैं मेन प्राइमरी फंक्शन. आपका ये वाली टेक्निक काम करेगी, कौन सी वाली, कि आप इसको x अज्यूम कर लीजिए, सर्कल लगा हुआ है, सर्कल नहीं दिखना चाहिए, x दिखना चाहिए. तो ये क्या लिखा है, e to the power of x लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव e to the power of x ही आएगा. तो जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है, सबसे बाहर वाला अब हम लोग किसको बोलेंगे, मेन प्राइमरी फंक्शन. जैसे आपने इसको तो x मान ही नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब वेरिएबल जो है उसी में से किसी को आपको x अज्यूम करना पड़ेगा, दिस इज द वेरिएबल. तो e to the power of x का डेरिवेटिव e to the power of x ही आएगा, लेकिन ये x नहीं है, ये x नहीं है, ये जो कुछ भी है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए अभी, बस e to the power of sin inverse x into sin inverse x का कितना है, 1 upon root of 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक, कहने का मतलब यह है e to the power of x का डेरिवेटिव आप देखो डायरेक्टली बिल्कुल एज इट इज लिखना, लेकिन ये x नहीं है, जो कुछ भी है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखना. ठीक, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री में
e to the power of x cube, d by dx of e to the power of x cube. बहुत सिंपल है, e to the power of x cube का जो डेरिवेटिव रहेगा इसको आप x assume कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, e to the power of x का e to the power of x ही आएगा, लेकिन ये x नहीं है, हम बार बार जैसे बोलते हैं आप इसको x मानो तो e to the power of x, तो e to the power of x का e to the power of x ही आएगा, into d by dx of ये जो कुछ भी लिखा हुआ है x cube. और अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने सही लिखा है तो तीनों सर्कल्स में एक ही चीज आएगी, एक्स क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है. तो इसका इसको करने का तरीका क्या है, ई वाला फंक्शन लिखा है तो जो फंक्शन लिखा है डायरेक्टली वही आंसर में आएगा, पावर में जो लिखा है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, ऐसा याद रख देना, ठीक है. तो ई टू दोबारा अगर एफ एक्स लिखा है तो इसका आंसर डेरिवेटिव पे कितना आएगा, e टू द पावर ऑफ एफ एक्स ही आएगा बिल्कुल, और d बाय डी एक्स ऑफ ऊपर जो लिखा हुआ उससे और मल्टीप्लाई कर लेना बस. और अगर आपको जैसे मान लीजिए ये बातें नहीं अच्छी लगती, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी हम बेसिक्स से जाएं, तो बेसिक्स में बेटा फिर ये है एक प्रॉब्लम, बेसिक्स से भी कर ले जाए एकदम e टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब, तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, वाई इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ यू, U is what x cube. बस अब क्या करना है, चेन रूल. तो चेन रूल में क्या है, dy by dx will be equal to dy by du into du by dx, ऐसा कुछ आएगा, dy by du, d by du of y, ऐसा कुछ आ गया, into du by dx, d by dx of u, u is what x cube. तो ये कितना आ जाएगा इसका, e to the power of u ही आएगा, है ना, e to the power of u का डेरिवेटिव जो है e to the power of u ही आएगा, इनटू x cube का कितना 3x square. तो देख लो आना वही है, लेकिन अब ये प्रॉपर तरीका है अगर आपको चेन रूल का इस्तेमाल करना है, ना चेन रूल से ही आपको ये मेथड डेवलप करते हैं, और इसकी चूंकि अभी हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पिछली क्लासेस में आदत डाल दी है, ना, तो ये चेन, दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग चेन रूल इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो इसके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड हैं. लॉग का भी डेरिवेटिव अभी हम बता चुके हैं, है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स भी अगर कहीं पर आता है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज व्हाट, वन अपॉन एक्स, ये यूज होगा. क्वेश्चन नंबर फोर देख लो, d by dx of sine tan inverse e to the power of x. तो हम लोग कैसा कहते हैं भाई, बाहर से अंदर की तरफ चलो, सबसे पहले बाहर कह दिया sine, तो sine का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos, है ना. अब cos किसका आएगा, जिसका sine लिखा हुआ था, sine किसका लिखा हुआ था, tan inverse e to the power of x, और जो लिखा हुआ था साइन के साथ, अब अंदर की तरफ चलो, अंदर की तरफ अगर चलेंगे तो d by dx of tan inverse e to the power of x. तो आप कैसा भी समझ ले, हम दो टेक्निक्स लेते हैं, है ना, हम बोलते हैं बाहर वाले फंक्शन से अंदर की तरफ चलें, एक तो ये लेते हैं, फिर दूसरा भी हमने बोला कि इसको एक ऐसा सर्कल बना लो, ऐसे फंक्शन में सर्कल बना लो कि वो x दिखने लगे, तो ये साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव कितना, cos x आएगा, लेकिन ये x नहीं है, ये जो कुछ भी है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. तो आप कैसा भी समझ सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, cos tan inverse e to the power of x. अब इसमें भी क्या है, tan inverse, तो tan inverse का डेरिवेटिव कितना आता है, tan inverse x का, हम इसलिए लिखते जा रहे हैं ये क्योंकि अभी पिछली एक्सरसाइज में ही किए हैं, याद हो जाएंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको आप x assume कर रहे हैं, tan inverse. अब देखो ये जो d by dx लेना है, tan inverse किसी चीज का है, tan inverse है और वो अंदर एक function अलग है, तो tan inverse का कर लो, सबसे बाहर कौन सा है, tan inverse, तो tan inverse का कितना होता है, 1 upon 1 plus x square, x क्या है, यहाँ पर e to the power of x, ठीक है. अब इसको d by dx of
किससे, ई टू द पावर ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये कितना आ जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू वन प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब इसमें अगर किसी को दिक्कत जाती है, हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी सोचने में समय लगता है यार किसको क्या करना है, तो सबसे अच्छी चीज फिर ये है कि आप बिल्कुल बेसिक्स पर जाएं। बेसिक्स इसमें क्या है, चेन रूल है ना। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू साइन यू, लो यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखो tan इनवर्स जो है x का मालूम रहता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, tan इनवर्स e टू द पावर ऑफ x। एक मिनट बस बेटा, अब देखो y इज इक्वल टू साइन u है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स v है, और v कितना है, e टू द पावर ऑफ x। तो ये बेसिक तरीका है करने का, और क्या मिलेगा बेटा, dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx। लो खत्म हो गया, इतना ही सा है, d by du d by dv d by dx। ऊपर वाला क्या भरना है, u है तो ये साइन यू लिखेंगे, ये डी वी है तो इसको टेन इनवर्स वी लिखेंगे, और डी बाय डी एक्स ऑफ वी मतलब इसको अभी हम लोग ई टू द पावर ऑफ एक्स लिखेंगे। अब ये साइन यू का जो डेरिवेटिव है वो कॉस यू आ गया, टेन इनवर्स वी को वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, यू और वी की वैल्यूज रख लो, है ना, आंसर परफेक्टली बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें अभी हम लोगों ने ये बोला कि आपको अगर डायरेक्टली करते नहीं आ रहा है तो आप बेटा यू और वी वाला मेथड लो, बेस्ट है, है ना। अभी हम आपको आगे के दो तीन प्रॉब्लम, एक आध प्रॉब्लम में और हिंट दे देंगे, दो तीन प्रॉब्लम को अभी हमने इसलिए मना कर दिया क्योंकि फिर समझ आएगा बेटा अपना। d by dx पहले अच्छा, इसको y is equal log cos e to the power of x है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, y is equal log u, u is equal cos e to the power of x, y is equal log u, u is equal cos v, और v is equal e to the power of x, ऐसा कुछ आता है, है ना बेटा। अब देखो इसमें करने का तरीका फिर वैसे ही रहेगा, dy by dx will be equal to dy by du into du by dv into dv by dx, बस फिनिश। और इसमें y की वैल्यू अगर आप रखोगे तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, d by du of log u into d by dv of u cos v into d by dx of v is e to the power of x, ऐसा कुछ है। ये कितना मिलेगा बेटा, इसका डेरिवेटिव 1 upon u into minus sin v into e to the power of x। u और v की वैल्यूज रख लो, u कहां गया बेटा, ये 1 upon cos e to the power of x into minus sin v है ना। अब देखो बेटा अच्छे सुनना, क्या कि अगर आपको इसको डायरेक्टली करना है, इसको अगर डायरेक्टली करने का मन है, d by dx of log cos e to the power of x है ना, तो अब हम लोग बोलते हैं बाहर से अंदर की तरफ चलें। सबसे बाहर क्या है, log, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon log किसका, log जिसका है उसका 1 upon, जैसे ये x माना तो 1 upon cos e to the power of x into d by dx of cos e to the power of x। देखो सारे स्टेप्स बिल्कुल लगभग मिलेंगे आपको, cos e to the power of x है
अब कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन ई टू द पावर ऑफ एक्स, और फिर और अंदर चलो तो कितना आ जाएगा, ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब देखो इस स्टेप पर आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, अगर इस स्टेप पर आ रहे हैं। देखो एग्जामिनेशन में मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा आपको भी कितने मार्क्स का आ रहा है। मान लीजिए यही अगर आपको 3 मार्क्स का आया तो एक लाइन लिखने में आपको भी बुरा लगेगा, तो आप फिर यू भी लिखकर कर देना, आना दोनों चाहिए। अब कहीं कहीं पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते तो आपको ये मेथड यूजफुल रहेगा। देखो इसका लॉग का कितना होता है, लॉग का होता है 1/x। लॉग किसका है, उसका 1/x लिख लिया। लॉग है कॉस का तो 1/cos लिख लिया, और अंदर चलो तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, लिख लिया, और अंदर चलो ई टू द पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर ऑफ एक्स। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन द डेरिवेटिव डायरेक्टली इन वन लाइन, है ना। अब इसके बाद 6th वाला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है ना। सिक्स में y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पता नहीं क्या क्या है। अच्छा इन्होंने बोला ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 5। अब इसमें क्या करूंगे, dy by dx will be d by dx of e to the power of x plus d by dx of e to the power of x square plus d by dx of e to the power of x cube plus d by dx of e to the power of x to the power of 4 plus d by dx of e to the power of x to the power of 5। e to the power of x का तो e to the power of x ही आएगा, इसका कितना आएगा बच्चों, e टू द पावर ऑफ x ही आना है, लिख लिया, लेकिन ये x नहीं है, पावर जो है हमने बोला पावर का डेरिवेटिव फिर से ले लो, ले लिया। इधर पर क्या करोगे, इसका आंसर एज इट इज लिखो, e टू द पावर ऑफ x क्यूब लिख लिया, पावर का डेरिवेटिव लिख लिया, सभी जगह ऐसे ही आएगा, e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 आएगा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 प्लस e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। मतलब ये इन्होंने क्या किया है, आपको सिर्फ आदत डालने के लिए 4-5 ऐसे टर्म्स दे दिए हैं, e टू द पावर ऑफ x है प्लस e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर है इंटू 2x, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 2x आएगा, ये कितना e टू द पावर ऑफ x क्यूब है इंटू कितना 3x स्क्वायर है ना, प्लस e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4x क्यूब आ गया, प्लस e टू द पावर x टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5x टू द पावर ऑफ 4 ऐसा कुछ आ गया। सो यू गॉट ऑल द आंसर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7th अभी हम चाहेंगे कि दोनों तरीके से हो जाए, है ना। अगर आपको प्रैक्टिस, अगर इस मेथड को, ये जो डायरेक्टली लिखने का मेथड है, ये तभी आपका बहुत अच्छा हो पाएगा जब आपका यूवी वाला चेन रूल जो है बहुत अच्छा होगा। है एक्चुअल में ये भी चेन रूल ही है, है ना, बस इसमें कुछ स्टेप्स अभी हम लोग कम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u, आपने रूट के अंदर वाला जो पूरा है, अंदर जो है उसको पूरा को यू लिख लिया, है ना। तो वाई की वैल्यू रूट यू हो गई, यू की वैल्यू ई टू द पावर ऑफ वी हो गया, वी कितना है रूट एक्स हो गया, बस। अब इसमें कैसे लिखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आएगा। अब इसके बाद डी वाई बाई डी यू, वाई की वैल्यू इसमें रख लो,
अब डी बाई डी यू और वाई, वाई कहां गया बेटा, रूट यू इंटू डी बाई डी वी ऑफ यू, यू कितना है सॉरी डी बाई डी वी ऑफ यू कितना है ई टू द पावर ऑफ वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी इज रूट एक्स, बस इतना सा ही है। रूट का कितना होता है, रूट का होता है वन अपॉइंट टू रूट ई टू द्वारा वी का, ई टू द्वारा वी आएगा और इसका वन अपॉइंट टू रूट एक्स। वैल्यूज और रख लो यू और वी की, यू और वी की वैल्यूज रखोगे तो कितना आएगा बेटा वन अपॉइंट टू रूट यू, रूट यू कहां गया, हाँ ये है यू की वैल्यू। अभी हम देखो यू की कौन सी वाली वैल्यू ढूंढ रहे थे, एक्स वाली, ऐसा कुछ आएगा रूट लिखना और यू अंदर लिखना है तो यू अंदर ही लिखा हुआ है ना, इंटू ई टू द पावर ऑफ वी, वी कहां है रूट एक्स। हमने कहा था ये वाला प्रॉब्लम जो है ये अभी हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करा पाए है ना, यू वी वाले शुरू के प्रॉब्लम तो इजी थे तो काम चल गया है ना, तो जो थोड़े से टफ है वो अभी हम दोनों तरीके से इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। अब देखो जो अभी हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं उसका तरीका देखो, हम लोग कहते सबसे बाहर वाले फंक्शन से, सबसे बाहर कौन सा है, सबसे बाहर कौन सा है, सबसे बाहर इसमें लाल कलर से मार्क कर दें, रेड कलर से, ये है सबसे बाहर वाला रूट है ना। तो रूट का डेरिवेटिव कितना होता है वन अपॉन टू रूट है ना, ऐसा कुछ लिख लिया रूट एक्स का डेरिवेटिव। इसको ऐसा माने कि ये आपने x ले लिया तो रूट एक्स दिख रहा है आपको, क्या चीज दिख रही है रूट एक्स दिख रहा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट ये x, x जिसमें अभी हमने सर्कल लगाया हुआ है। अब अंदर की तरफ चलो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर क्या है ऐसा कुछ। अब इसमें फिर वही चीज अप्लाई हो गई क्या कि भैया इसका आंसर तो वही आने वाला है, ई का आंसर तो वही आने वाला, तो ई का आंसर तो वही लिख लिया, पावर जो है उसके डेरिवेटिव से और मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये डायरेक्टली आंसर आ गया वन अपॉइंट टू अंडर रूट ऑफ ई रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स इंटू वन अपॉइंट टू रूट एक्स, ऐसा कुछ आएगा। अभी आपको डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई करके देख लिया है ना, अगर आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ई रूट एक्स है ये ई रूट एक्स का रूट है ना, मतलब क्या है जैसे टी है ऊपर और नीचे रूट टी लिखा है तो कैंसिल कर सकते हैं टर्म्स को है ना, और सिंप्लीफाई करके ना। एट्थ क्वेश्चन देख लो बेटा, so now if we discuss the eighth problem, log log x, अब ये तो बहुत सिंपल है, इसमें log x बाहर से अंदर की तरफ चले तो बाहर क्या है log, log का आंसर क्या आता है वन अपॉन, वन अपॉन किसका आता है जिसका log है, log किसका है log x का है, ये x लिखा हुआ है log ऑफ x तो वन अपॉन x आंसर आ गया। अब पहला आंसर आने के बाद अंदर की तरफ चले उसका डेरिवेटिव d by dx ऑफ log x, लो खत्म हो गया ये तो, ये आंसर किस वाले क्वेश्चन का, ये एट्थ वाले क्वेश्चन का है। अब इसमें भी अगर किसी को दिक्कत जाती है, अब हम बार बार आपको वही चीज कह रहे हैं y इज इक्वल टू लॉग यू लिख लो और u कितना है log x, इसमें चेन रूल लगा लेना dy by dx इज इक्वल टू dy by डी यू
इंटू डी यू बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू चलो कर ही दे रहा है इसको पूरा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज लॉग एक्स, खत्म। ठीक, अब इसका कितना आ जाएगा बेटा, वन अपॉन यू इंटू वन अपॉन एक्स, यू की वैल्यू रख लो, यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू लॉग एक्स, वन अपॉन लॉग एक्स। एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ वाला जो है ये हमारे ख्याल से फर्स्ट और नाइन्थ जो है सबसे इजी प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज के, है ना, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन रूल भरे है, बस क्वेश्चन रूल का एप्लीकेशन। d by dx ऑफ cos x अपॉन log x ऐसा कुछ है ना, तो कितना आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करके नीचे लिखो, ऐसे ही फॉर्मूला हम याद कराते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करके नीचे लिखो, नीचे वाले फंक्शन को एक बार ऊपर लिखो, और d by dx ऑफ cos x लिखो माइनस cos x इंटू d by dx ऑफ log x। हमने बोला log x को एक बार अगर आपने लिख लिया तो प्रोडक्ट रूल जैसा है, log x लिखा तो dy dx ऑफ cos x, और dy dx cos x का लिखा तो cos x पहले आएगा फिर dy dx ऑफ log x। अब बस वैल्यूज भर रखनी है, log x into क्या माइनस साइन x माइनस cos x into 1 अपॉन x, फिनिश। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नाइन्थ। लास्ट क्वेश्चन, कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स, नेक्स्ट है लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, इसमें अब क्या करें बेटा, बाहर से अंदर की तरफ, है ना, तो ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन, लिख लिया। अब अंदर की तरफ चलें, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये भी इजी क्वेश्चन था, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स आएगा, और ई टू द पावर ऑफ एक्स का e टू द पावर ऑफ x ही आएगा। चलिए अब आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट टाइम।